तो आज है 7 जुलाई, तो मेरा आज जन्मदिन है, जो कि मेरे बच्चे ने कल रात यानी कि 12 बजे मेरा बर्थडे का केक काटा। मुझे ऐसा लगता है कि 90% मम्मियाँ ऐसी बोलती होंगी, तो मैंने भी पिछले साल इसीलिए डांटा था कि क्यों इतना महंगा केक उठा के लिया है। हैप्पी बर्थडे मम्मी। थैंक यू बेटा। अभी बज रहे हैं रात के 12 हैं, तो मेरा बेटा लाया है केक मेरे लिए। मेरा है जन्मदिन आज, जो कि मैं खुद ही भूल गई थी मेरा जन्मदिन है। तो पिछले साल भी मेरा बेटा ही लाया था, छोटा वाला जतिन केक लाया था। तो पिछले साल तो मैंने बहुत डांटा इसको, क्योंकि मुझे अचानक पता चला 12 बजे कि मेरे लिए केक लाया हुआ, मेरा जन्मदिन मना रहा है। तो आज मैंने डांटा, थोड़ा बहुत डांटा था, क्योंकि आज मेरे को इसने पहले ही बता दिया था कि मैं जन्मदिन के लिए केक लाया हूँ। तो केक काटते हैं, मोमबत्ती जला दी। तो थैंक यू बेटा जन्मदिन मनाने के लिए। और पिछले साल भी सेम ऐसा ही केक था, लेकिन वो केक जो था बड़ा था बहुत, और ये फ्रिज में रखा हुआ है, शाम को ले आया था। मुझे तो 8:30 बजे बताया जब हम खाना खा रहे थे कि मैं केक लाया हूँ। बिल्कुल सेम ऐसे ही केक था, महंगा वाला अमेरिकन ट्रफल। हाँ यही था। पिछले साल भी मैंने वीडियो बना रखे, पिछले साल भी। तो हैप्पी बर्थडे, मेरा तूने मनाया तो मैं केक तुम्हें खिलाऊंगी बेटा। पहले तो ये सोया नहीं है अभी तक कि बर्थडे मनाना है करके। थैंक यू सो मच, धन्यवाद बहुत बहुत बेटा। केक भी बहुत अच्छा, मैं भी खिलाऊंगा आपको। और मैं तो सो गई थी, बिस्तरा बिस्तरा आप लोग पीछे से देख सकते हैं। थैंक यू। तो बेटा जगा हुआ था बर्थडे मनाने के लिए, केक खा लिया, और मैंने अभी डांटा भी एक दो बार कि सो क्यों नहीं रहा, कल सुबह बना लेंगे, दिन में बना लेंगे बर्थडे। तो नहीं माना। सही में केक ना बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा। अभी इतना ही खाते हैं, 12 बजे कहाँ से खाया जाएगा। तो थैंक यू, बहुत अच्छा है। ठीक है बेटा, बाकी कल खाएंगे। पिछले साल भी हम दो माँ बेटे ही थे घर में, और इस साल भी हम दो माँ बेटे ही हैं। तो दिन में खाया जाएगा केक, ठीक है बेटा। अभी खा लूँ सारा? मैं नहीं खाऊंगा, आप खाओगे सारा केक। इतना बड़ा ही कैसे खाया जाएगा? अभी बज रहे सुबह के 11:30 हैं, तो ये मसाज वाली अपने फिक्स टाइम पर घर पर पहुंच चुकी है, और ये बेड जो बिछा रही है ये इनका खुद का बेड है। और मैंने इस बेड का वेट पूछा तो इन्होंने बताया कि इस बेड का वेट है 20 kg। तो यहाँ पर बेड को बिछा दिया गया है, और बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए इस बेड के लिए। फिर उसके बाद बेड को अच्छे से सैनिटाइज़र किया गया, और टिश्यू पेपर से उसे अच्छे से पोंछा गया। तो मुझे देख के बहुत खुशी हो रही थी, और इन लोगों के बहुत सारे ऑर्डर आते रहते हैं, तो ये जगह जगह जाते हैं, तो सैनिटाइज़र करना तो ज़रूरी है। और उसके बाद इसमें बिछाई गई एक बेडशीट जो कि एक टिश्यू पेपर की तरह ही थी, तो नया रैपर निकाला गया और उसमें से बेडशीट निकाली गई। तो ये मेरा नया अनुभव है मेरी ज़िंदगी का, क्योंकि इस तरह मैंने कभी देखा नहीं है, ना तो मैंने किसी को करते हुए देखा मसाज, ना मैंने किया। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और जब मेरी बहू दीपी का फ़ोन आया सुबह, तो उस समय मुझे पता नहीं चला, थोड़ी देर में पता चला, तो मैंने उन्हें मना किया था कि आप कैंसिल कर दो, मुझे नहीं कराना, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप चिल करो, आपका बर्थडे है और आपके लिए मेरा सरप्राइज़ है। तो ये सरप्राइज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। और बेडशीट जब बिछा रही थी तो मुझे फटा हुआ सा हिस्सा दिखा, तो मैंने कहा भाई नया तो निकाला है, फटा क्यों है? लेकिन जब उन्होंने इस तरह बांधा तो मुझे पता चला कि हाँ ये कहीं उड़ ना जाए, क्योंकि आजकल गर्मियाँ, चाहे वैसे भी ये बेड थोड़ा उस तरह का है ना कि इसमें बेडशीट बिछाएंगे तो फिसल जाएगा। और ये है एक टॉवल टाइप, जैसे टिश्यू पेपर कागज़ का ही समझ लें, तो टॉवल को इस तरह डेकोरेट किया बेड को, जिसे देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक फूलों की टहनी, मतलब पूरी जैसे गुलदस्ता टाइप होता है, तो उसे भी रखा। और ये जो सामान रखा है, ये सैनिटाइज़र है, इसमें ऑयल है, और कैंडल लाइट जलाने के लिए दोनों जगह इन्होंने कैंडल लाइट रखी हुई है। और यहाँ पर था होल, आपने बेड में देखा होगा, तो बेडशीट बिछाने के बाद फिर से वहाँ पर उस
बेड शीट को काट के होल बनाया गया और फिर कैंडल लाइट को जलाया गया, तो ये मेरा बेड तैयार हो गया मसाज के लिए, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मैं सावित्री माहौड़ी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल माहौड़ी के व्लॉग्स में। अभी बज रहे हैं दिन के 2, तो मेरी आज वीडियो की शुरुआत अभी 2 बजे से ही हो रही है। तो आज है 7 जुलाई, तो मेरा आज जन्मदिन है, जो कि मेरे बच्चे ने कल रात यानी कि 12 बजे मेरा बर्थडे का केक काटा। तो पिछले साल भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, पिछले साल भी मेरा छोटा वाला बेटा लेके आया था केक। तो पिछले साल तो मैं बहुत इमोशनल हो गई थी और बहुत रोई थी, रोना आ गया था, रोते रोते मेरे केक काटा, खुशी के आंसू, मतलब ऐसे नहीं, खुशी के मारे, और बेटे को डांटा भी था साथ साथ, क्योंकि हम लोग हैं ना जो हमने इस तरह का इन्जॉयमेंट नहीं किया हुआ है, हमारा ज़माना कुछ अलग था। तो आज का ज़माना एकदम इतना बदल गया है कि हमारी बच्चे हमारा जन्मदिन मनाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, बहुत सारा समय ऐसा आता है जो खुशियाँ बच्चे मनाते हैं तो हम उन्हें डांटते हैं कि भाई खर्चा मत करो, फालतू का खर्चा है, क्यों खर्चा करना, क्यों बर्थडे मनाना हमारा, तुम अपना करो, अपना इन्जॉयमेंट करो, जो भी है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 90% मम्मियाँ ऐसी बोलती होंगी। तो मैंने भी पिछले साल इसीलिए डांटा था कि क्यों इतना महंगा केक उठा के लिया है और क्यों जन्मदिन मनाना, क्या जन्मदिन मनाना मेरा। तो इस बार भी ऐसा ही हुआ, पर इस बार ना तो मैं मुझे रोना आया और ना मैं, मतलब इतना डांटा तो था पर इतना नहीं डांटा। तो आज उसने मेरे को, मतलब रात में हम जब रात का खाना खा रहे थे तभी बता दिया था कि मम्मी आज आपका केक काटा जाएगा, 7 जुलाई आने वाली है, आपका बर्थडे है। तो मैं तो भूल गई थी, लेकिन बेटे ने मुझे याद दिलाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जब वो लेके आया था मुझे पता नहीं था कि ये क्या, मतलब केक लेके आए, तो मैंने सोचा, वो मुझे दिन से बोल रहा था कि कुछ खाने का मन हो रहा है, कुछ खाने का मन हो रहा है, जैसे कि आजकल के बच्चे कुछ भी ऑर्डर करते रहते हैं। तो मैंने सोचा कुछ ले आया होगा अपने लिए, लेके आया तो फ्रिज में रख दिया। तो वो शाम को 4 बजे के करीब ले आया था। फिर उसके बाद उसने 8:30 बजे हम रात का भोजन कर रहे थे, तो बताया कि आज आपका केक काटेंगे और 7 जुलाई आने वाली है। तो मैंने कहा, अरे मेरा बर्थडे आ गया, मुझे तो पता भी नहीं था। तो फिर 12 बजे तक बेटा सोया नहीं था, हमने केक कट करा। उसके बाद फिर मेरा बीच वाले बेटे का वीडियो कॉल आ गया था रात के 12 बजे, मतलब 12:15 हो गए थे केक वेक कट करते वक्त। तो फिर उसे लगा कि शायद ये सेलिब्रेट कर रहे होंगे बर्थडे को। तो फिर आधे घंटे तक उसके साथ वीडियो कॉल हुई, फिर बात करी। तो उसके बाद सुबह उठे, फिर सुबह फ़ोन का आना जाना बहुत हो गया। तो मेरे भाई का भी फ़ोन आया था सुबह, तो मेरी भतीजी यानी कि भाई की बेटी ने बोला होगा अपने पापा को कि आज बुआ का जन्मदिन है और मेरी दीदी की नाती का भी जन्मदिन है आज। तो भाई ने मेरे को जन्मदिन के मतलब शुभकामनाएं दी, तो मुझे अच्छा लगा। और शर्म सी भी आ रही थी, भाई क्या जन्मदिन मनाना है इस उम्र में, अब थोड़ा शर्म सी लगती है क्योंकि हमने ऐसा सेलिब्रेशन कभी किया नहीं है। तो अच्छा, मतलब वैसे तो अच्छा लग रहा है कि बच्चे कर रहे हैं। तो मेरे बेटे ने कहा कि जब हम छोटे थे आप हमारा बर्थडे मनाते थे, आज हम आपका बर्थडे मना रहे हैं तो आप क्यों शर्मा रहे हो? तो मैंने कहा ठीक है भाई मनाओ। उसके बाद बच्चों ने भी फ़ोन किया, मेरे बड़े बेटे ने, रवि ने कॉल किया, उसके बाद बहू के साथ बात हुई दीपी के साथ। तो दीपी ने तो कुछ नहीं कहा, बेटे ने कहा कि आज दीपिका ने आपके लिए कुछ भेजा है, एक लेडी आएगी आपके घर। तो मैंने सोचा कुछ खाने पीने का भेजा होगा, तो मैंने कहा ठीक है। पहले तो मैंने उनको कहा भाई ऑर्डर मत करना कुछ भी चीज़, मेरे को बाहर की चीज़ अच्छी लगती है और मेरे को बाहर का चीज़ मतलब पछता भी नहीं है, मेन चीज़ ये है। और क्योंकि हम बाहर का चीज़ इतना खाते नहीं है भाई, सीधी बात है, मैंने खाया नहीं है, बच्चे तो खाते रहते हैं, लाते रहते हैं चीज़ें, तो मैं बहुत कम खाती हूँ। तो मैंने सोचा क्या पता कुछ खाने का ऑर्डर कर दिया होगा। लेकिन जब मैंने अपने छोटे वाले बेटे को नाश्ते के बारे में कहा कि भाई नाश्ता क्या करना है, उसने कहा कि मैंने कुछ मंगा दिया है। तो मैं उसे डांटने लगी कि अभी तो 11:30 बजे कुछ आ रहा और तू बोला कि मैंने कुछ मंगा दिया है। तो कहता कि नहीं नहीं, आपके लिए खाने का नहीं मंगाया, भाभी ने ऑर्डर नहीं करा हुआ है, आपका तो कुछ और आ रहा है। मैंने कहा क्या आ रहा है? कह रहा लेडी आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि आपका कुछ फेशियल वगैरह वाली कुछ आ रही होगी। तो मुझे भी झट से याद आ गया, अरे हाँ ये तो कुछ बात है। तो मसाज मेरा हुआ है आज, जब मैं छोटी बच्ची रही होंगी तो उस समय मेरी अम्मा ने और मेरी माँ ने मेरे मसाज की होगी। और माँ ने तो कहाँ किया होगा, पहले ज़माने में इतना काम होता था कि बहुओं को कुछ टाइम नहीं मिलता था, अपनी सुध उनको नहीं होती थी, बच्चों को कहाँ देते थे। हाँ, जो अम्मा लोग होती थी घर पे,
तो वो मालिश करते थे, तो मेरा बचपन में हुआ होगा, उसके बाद आज मेरी मसाज हुई बहुत अच्छे से, वो अर्बन कंपनी से आई थी और मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो मसाज करके मुझे रिलैक्स फील हो रहा। उस समय तो बॉडी में पेन हो रहा था क्योंकि कभी हमने किया नहीं है ऐसा और हमें पता भी नहीं था, तो मैंने अपनी बहू को पहले फ़ोन किया, मैंने कहा भाई तुम इसे कैंसिल कर दो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि कैसे मैं मसाज कराऊंगी, उससे मैंने कभी देखा नहीं है, कभी मैंने किया नहीं है। तो बहू बोलने लगी कि नहीं नहीं करो मम्मा, आपको अच्छा लगेगा, रिलैक्स फील होगा। तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। अगर आप लोगों को आपके बॉडी में पेन होता है, वैसे तो कराना चाहिए, जिस हिसाब से मैंने आज किया ना, सच में मुझे इतना रिलैक्स फील हो रहा है, इतना बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग लापरवाह रहते हैं, अपना ख्याल नहीं रखते, किसी भी चीज़ का ख्याल नहीं रखते, पर मसाज अगर आप 6 महीने में एक बार भी कर देंगे तो फ़ायदेमंद रहेगा शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मुझे बहुत रिलैक्स महसूस हो रहा, उस समय मतलब थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, लेकिन बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच दीपी, और आपने मेरी मसाज वाली घर पे ही भेजी और बिल्कुल कंफर्टेबल, कोई दिक्कत नहीं हुई, अच्छा लगा मेरे को। पर मुझे पहले घबराहट सी हो रही थी कि यार घर पर आ रही है, पता नहीं वो कैसे करेगी, क्या करेगी, क्या होता होगा, कैसे। मैंने पहले बहू से पूछ भी लिया था तो बोलने लगी कि आप बिल्कुल बेझिझक रहो, जो जैसा करेगी आप करने देना उसको, और वो अच्छा करेगी, बढ़िया करेगी, तो अच्छा ही रहा। तो आज के वीडियो को भी मैं यहीं पर समाप्त कर देती हूँ, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट लाइक शेयर जरूर करना। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कीजिएगा। कल आती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।